दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में आपको हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग यानी कि दुर्ग यूनिवर्सिटी से आपको नोटिफिकेशन देने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज से जो है पीजी के एग्ज़ाम यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यूजी वाले के एग्ज़ाम जो कि 16 अप्रैल से यहाँ पर स्टार्ट होंगे, तो इसमें एक चीज़ मेरे को बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे यूजी वाले खासकर कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है वेबसाइट से, तो कब ये डाउनलोड होगा, कब अवेलेबल होगा, तो ये उसके लिए ही ये नोटिफिकेशन इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो पीजी वाले हैं उनका तो अब हो चुका है, उन लोगों मतलब जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं और अपना आंसर शीट भी ले जा चुके हैं 4 तारीख तक, एक सीन का आज इनका पेपर है 5 अप्रैल को। तो देखिए उसके बाद ये इनका तो पीजी वालों का कोई दिक्कत नहीं है, हो गया है बीए। यहाँ पर अब यूजी वालों में बीएससी होम साइंस और बीएससी बीएड इनके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना के जो डेट है वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिट कार्ड इनके आएंगे, वो 9 अप्रैल से यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और ये लोग आंसर शीट अपना जो है 11 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक ये लोग ले सकते हैं, ठीक है। बीएससी होम साइंस, बीएससी बीएड, तो ध्यान से सुनिए। और उसके बाद बीकॉम का ये लोग जो है बीकॉम वाले वो 18 अप्रैल से अपने एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और इनके जो आंसर शीट लेने की डेट है वो 18 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक ये लोग अपना आंसर शीट यहाँ पर ले सकते हैं अपने अपने कॉलेजेस से, ठीक है। उसके बाद बीए बीएड का यहाँ पर है 28 अप्रैल को इनके एडमिट कार्ड आएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए, और ये लोग जो है आंसर शीट अपने कॉलेजों से ले सकते हैं 28 अप्रैल से लेके 6 मई तक, ठीक है। तो ये अलग अलग के यहाँ पर डेट दिए गए हैं, पीजी वालों का तो सब हो गया क्लियर, यूजी वालों के लिए ये डेट है 9 तारीख से यहाँ पर बीएससी वालों का है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट, और बीकॉम का है 18 अप्रैल से, और बीए बीएड वालों का यहाँ पर 28 अप्रैल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर उत्तर पुस्तिकाओं के लिए भी डेट दिया गया, इसका मैं पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उससे आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं ताकि आपको याद रहे, और बाकी आप वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको आंसर शीट लेने और लिख कर जमा करने के लिए आपको एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी है, तो उसकी डेट भी आपको पता होना चाहिए कि कब वेबसाइट पर ये डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होगा। मुझे बहुत सारे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसलिए अब यहाँ पर जानकारी आपको मिल गई होंगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबाइए। धन्यवाद वीडियो के एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ अगले दिन एक नए वीडियो में।